यही मन में बाहर हर दम हमारे, यही मन में बाहर हर दम हमारे। ओम शांति, गुड इवनिंग। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, सभी के लिए पितृवत प्रेम। इस प्रकार के गीत गा गाकर सभी गोप गोपियां अथवा सत्संगी भाई बहन खुशी में झूमते रहते थे। कई बार जब दादा सत्संग पूरा करके उठते थे तो सभी बहनें, माताएं और भाई उठकर दादा के सामने खड़े हो जाते थे। दादा की पवित्र पितृवत दृष्टि सभी आत्माओं पर पड़ती और सभी के प्रति बेटी ओ बच्ची, बेटी आ बच्ची, ये मधुर शब्द निकलते थे। सभी उपस्थित जन अनुभव करते थे जैसे कि वे आत्मा के रूप में आत्मा के पिता, जगत पिता अथवा धर्म के पिता के सम्मुख खड़े हैं। सभी के मन में बच्चों की तरह स्नेह का उद्रेक होता और उनकी अंतश्चेतना बोल उठती कि ये हमारे बाबा हैं। वे सभी उन्हें ओम बाबा कहकर पुकारते थे। कई बुजुर्ग और मुखी या चौधरी लोग जो कि बाबा को पहले से ही जानते थे, वे भी जब बाबा के सम्मुख आते तो ऐसा अनुभव करते जैसे कि बिछड़े हुए बच्चे बाप से मिल रहे हो। कई माताएं, बहनें अथवा पुरुष जो अब पहली बार ही इस सत्संग में आकर सम्मिलित होते, उनकी यद्यपि पहले से ही बाबा से जान पहचान नहीं होती थी, तो भी अब वे जब बाबा को देखते तो उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपक पड़ते और सहसा उनके मुख से, नहीं नहीं जिगर से, बाबा बाबा प्रेम से भीगे हुए यह शब्द निकल पड़ते। बाबा कहते, ओ बेटी ओ बेटा, बाबा तुम्हारे सामने खड़ा बोल रहा है, बच्ची क्या कहती हो? वह कहती, बाबा आप कहाँ थे, क्या आप हमको भूल गए थे? आप इतने वर्षों के बाद आकर हमें मिले हो। बाबा ओ बाबा, हम कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। बाबा आप जल्दी से जल्दी हमें इस गंदी विकारी दुनिया से कहीं बहुत दूर ले चलो। उन्हीं दिनों एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड चला था जिसमें भरा हुआ गीत कुछ इस प्रकार था, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहीं ले चल, लोगों की आवाजों से, दुनिया की निगाहों से, आहा और कहीं ले चल, अब जल्दी वहीं ले चल, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल, अब दूर कहीं ले चल। जब वह गीत सत्संग में आने वाली माताओं कन्याओं ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके ही लिए परमपिता परमात्मा ने किसी द्वारा यह रिकॉर्ड बनवाया है। यह गीत गा गाकर वे बाबा से कहती, बाबा बस अब हमें अपने साथ शांति धाम ले चलो। बाबा बहुत प्यार से कहते, बेटी ओ मीठी बेटी, देख तुम्हारे लिए बाबा क्या सौगात लाया है। ये मधुर बोल सुनते हुए गोप गोपिया स्वयं को अंतवाहक शरीर में अनुभव करते तथा दिव्य चक्षु द्वारा वैकुंठ का साक्षात्कार करके अपूर्व हर्ष को प्राप्त करते थे। वे गदगद हृदय से हंसते थे और स्वयं को परम भाग्यशाली अनुभव करते थे और कहते थे, ओम बाबा अब हमने सुखधाम की राह ले ली है, सुखधाम की राह देख ली है। बाबा अब हम शांति धाम में पहुंच गए हैं। बाबा अब हम इस पतित एवं विकारी दुनिया में, इस मृत्यु लोक में नहीं जावेंगे। इस अवस्था में उन्होंने एक मधुर गीत बनाया जिसे वे मिलकर सभा में भी गाते थे। गीत तो गाते और सुनते हुए उन्हें ऐसा लगता कि वे कुंजों की तरह इस संसार से उड़कर बहुत ऊपर जा रहे हैं निज आत्माओं के धाम को। गीत के कुछ पद निम्नांकित हैं, उड़ी ओम में जाती है ये गाती ब्रह्मा ज्ञान, तन मन धन की सुध पिसराकर जाती है निज धाम, जो थककर चिड़िया संग संग उड़ती जाती है निज धाम, त्यों सखिया थककर
जन्म मरण से होती है उपराम। मैं दुखियारी भटक रही थी, भूली थी निज धाम। ओम मंडली ने लक्ष्य बताकर मिलाया मुझे घनश्याम। अमृत प्याला भर भर पीती, नित करती ज्ञान स्नान। ज्ञान अविनाशी गाते गाते चली जाती सुखधाम। बस इस सुख शांति में जीवन का अनुभव करते करते वे शरीर की सुध-बुध भूल जाती थी। वे सारा दिन एक अलौकिक मस्ती में रहती थी। उनके जीवन में सुख और परिवर्तन देखकर शहर के काफी बुजुर्ग पुरुष भी अपने पुत्रों पुत्रियों को के साथ अर्थात समस्त कुटुंबी सत्संग सुनने आते थे। उनमें भाई रिजुमल जी, भाई रत्नचंद जी, भाई दयाराम जी और बाद में भाई विश्व किशोर जी भी थे, जो कि हैदराबाद के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से थे। और सब परिवार ज्ञान रत्नों की खुशी में और ज्ञान अमृत तथा पवित्रता के नशे में उमंग से चल रहे थे। इस सत्संग में आने वाले बहन भाइयों ने यह अनुभव युक्त गीत बनाया था और इसे वे सभी मिलकर गाया करते थे। ज्ञान सागर में बिताऊंगी तज के पांच विकार, प्रेम नगर में बिताऊंगी तज के अशुद्ध विचार, ज्योति नगर में बनाऊं घर तज के देह अहंकार, ज्ञान के गहने ज्ञान के भूषण ज्ञान ही सब श्रृंगार, ज्ञान माता ज्ञानी पिता ज्ञानी है कुटुंब परिवार, ज्ञान के संग बिताती हूँ जीवन योग ही प्राण आधार, ज्ञान से ही इस जग में आनंद निराला, ज्ञान को होता है अनुभव सुख का, ज्ञान स्वरूप युगल की रीति है न्यारी, परम पिता है सच्चा सदगुरु शांति का भंडारी, सखी पियो सदा तुम ज्ञान अमृत का प्याला, ज्ञान से है इस जग में आनंद निराला। उस समय सभी की शोभा ऐसी होती थी जैसे कि इंद्र सभा लगी हो अथवा हंसों का झुंड बैठा हो। सभी कन्याएं माताएं जो पहले बहुत ही फैशनेबल थी, श्रृंगार प्रिय थी, हीरे जवाहरात से सजी रहती थी और अशुद्ध खान पान वाली थी, अब वे इस पवित्र गीता ज्ञान को सुनकर अपने आप ही पवित्रता के रास्ते पर आ रही थी। बाबा अथवा पिताश्री के जीवन का सभी पर इतना गहरा प्रभाव था कि उनके प्रैक्टिकल जीवन से प्रेरणा लेकर उनमें भी त्याग की भावना आ गई थी। अब उन सब का जीवन सादा, विचार उच्च, बोल मधुर, दृष्टि ज्ञान युक्त और वृत्ति सात्विक होने लगी थी। उन्होंने पवित्र जीवन का अच्छा रस लिया था, इसलिए अब उन्हें काम वासना वाला जीवन दुर्गंध पूर्ण, वैशाला, विषैला अथवा पलीत जीवन लगता था। ज्ञान अमृत के घूंट भर भर पीने से उन्हें एक नया जीवन मिला था जिसका निराला ही सुख था। अतः उन्होंने मन ही मन प्रण किया था कि अब ब्रह्मचार्य व्रत में रहकर प्रभु को मन में बसाकर हम योगियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, घर में रहेंगे परंतु कमल पुष्प के समान जीवन बनाएंगे, हम विकारों की कीच से ऊपर उठकर रहेंगे। अब बाबा ने जब सत्संग अथवा ईश्वरीय ज्ञान की क्लास का यह विकसित रूप देखा और परम पिता की कारामात देखी, तो उन्होंने ओम राधे को इस सत्संग अथवा ईश्वरीय विद्यालय के लिए अवैतनिक माना ऑनररी इंचार्ज नियुक्त किया और उनके साथ 8-10 अन्य ज्ञान निष्ठ कन्याओं माताओं की एक कार्यकारिणी समिति माना मैनेजिंग कमिटी बनाकर अपना समस्त धन और अपनी संपत्ति माताओं की उस कमेटी को अर्पित कर दी। इस विषय में उन्होंने लिखा कि मैं अपना सब जर माना सोना, जेवर, जमीन, मुतहरक और गैर मुतहरक जायदाद माना चल और अचल संपत्ति इन माताओं की कमेटी को समर्पित करता हूँ ताकि यह इस ईश्वरीय सेवार्थ कार्य में लगाई जावे। अतः अब माताएं ही सारे कार्य को संभालने लगी। अब यह सत्संग बहुत ही उन्नति को प्राप्त होने लगा। लोगों में यह ओम मंडली के नाम से विख्यात हो गया क्योंकि यहाँ ओम की ध्वनि की जाती थी और उसके अर्थ स्वरूप में स्थित किया जाता था।
कश्मीर से लौटने के बाद बाबा ने देखा कि अनेक अनेक माताओं बहनों तथा पुरुषों के जीवन में ईश्वरीय शक्ति की झलक आ रही है, उनके जीवन में पवित्रता और आनंद आ गए हैं। यह देखकर बाबा को बहुत खुशी हुई। उन्हें यह देखकर आश्चर्य भी होता था कि किस प्रकार उन्हें निमित्त बनाकर गुप्त रूप में परमपिता परमात्मा स्वयं नर नारी का जीवन ज्ञानमय बनाने का कार्य कर रहे हैं। परमात्मा के सिवा किसी मनुष्य का तो यह कार्य हो ही नहीं सकता था। वही तो उनके शरीर के माध्यम से आत्माओं की जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा बुझा रहे थे। अब परमपिता परमात्मा शिव अर्थात गीता के भगवान ने उनके मुख कमल द्वारा 5000 वर्ष पहले की तरह ये महावाक्य उच्चारण किए कि काम विकार नरक का द्वार है। वे उन्हें समझाते थे कि ब्रह्मचार्य के बिना ज्ञान अमृत की पूरी धारणा नहीं हो सकती। काम विकार को ही ग्रंथों में मूत पलिति कहा गया है। यही हलाहल विष है जो कि आत्मा को पतन के गर्त में धकेलता है। सत्संग में आने वाले नर नारी ने ज्ञान अमृत का रस चख लिया था। उन्हें पवित्र जीवन का आनंद मिल चुका था। अतः उन्होंने तो स्वतः ही मन में सोच लिया था कि अब वे पवित्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। उन्हें काम विकार वाला जीवन तो अब बिल्कुल गंदा लगता था और वासना भोग उन्हें मृत्यु से भी अधिक दुखदायक महसूस होता था। अब परमपिता परमात्मा शिव जो कि तीनों कालों को जानते हैं, उन्होंने ओम बाबा के तन में प्रवेश करके सभी को यह निर्देश दिया कि वे अपने पिता पति अभिभावक अथवा संरक्षक से पत्र ले आए जिसमें यह लिखा हो कि वे अपनी पुत्री बहु अथवा पुत्र को ओम राधे के पास जाकर ज्ञान अमृत पीने पिलाने तथा अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए खुशी से छुट्टी देते हैं। जिन माताओं कन्याओं अथवा बालकों के मात पिता या परिवार के सभी जन आते थे उन्हें तो ऐसा पत्र लिखा लाने में कोई कठिनाई न हुई, परंतु जिस जिस महिला का पति इस सत्संग में नहीं आता था तथा जिस जिस के अभिभावक का खान पान व्यवहार और संस्कार तमोगुणी भौतिकवादियों जैसा था, पाश्चात्य सभ्यता से पूरी तरह रंगा हुआ था, उन्हें ऐसा पत्र लाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक ओर तो वे नित्य ज्ञान अमृत पिए बिना न रह सकती थी, परंतु दूसरी ओर उन्हें पत्र भी न मिलता था। यही अवस्था नाबालिग कन्याओं तथा कुमारों की भी थी, परंतु प्रायः हरेक ने अपनी उच्च धारणाओं, अपने मनोपरिवर्तन, सादा जीवन आदि आदि का प्रभाव डालकर ऐसा पत्र ले ही लिया ताकि उन्हें भी ऐसे उत्तम सत्संग में प्रवेश मिल सके। वास्तव में कुछ लोग यह समझ ही नहीं सकते थे कि यह किस प्रकार का सत्संग है। एक ओर तो वे वहां जाने वाले नर नारियों के जीवन में आशातीत परिवर्तन देखकर बहुत खुश भी होते और आश्चर्यचकित भी होते, दूसरी ओर वे वहां दिव्य साक्षात्कारों की भरमार देखकर इस सोच में पड़ जाते कि ऋषियों मुनियों को भी साक्षात्कार का होना बहुत कष्ट साध्य था। यहाँ छोटे बड़े सभी लोगों को सहज ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार तथा कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार कैसे हो जाता है। वे स्वयं आहार व्यवहार की शुद्धि तथा ब्रह्मचर्य के नियमों का पूरी तरह पालन करने को उद्यत न होते और ज्ञान के रहस्यों को अपने मलिन विचारों के कारण समझ भी न पाते, इसलिए वे रुकावट भी डालते। उनमें से कई लोग इस पत्र के कारण संपर्क में आते और उनके अपने जीवन में भी सहज ही पलटा आ जाता। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने अपना अनुभव इस प्रकार व्यक्त किया है जो कि पढ़ने के योग्य है। एक दिन बाबा ने कहा कि आप सभी अपने लौकिक माता पिता से या सास ससुर से चिट्ठी ले आओ जिसमें लिखा हुआ हो कि हम अपनी बच्ची या स्त्री को खुशी से छुट्टी देते हैं कि वह ओम मंडली में ओम राधे से
ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने और पिलाने जावे। अतः मैंने भी अपने लौकिक पिता से इसके लिए आवेदन किया। वह मांसाहारी थे, शराब खूब पीते थे तथा उनके संस्कारों का धर्म की ओर झुकाव नहीं था। वह यह सुनकर बहुत ही गर्म हो गए और बोले कि मैं ऐसा नहीं लिख दूंगा। मैं सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा। बाबा चिट्ठी के बिना सत्संग में प्रवेश नहीं देंगे और पिताजी लिखकर नहीं देंगे। मैं तो ज्ञान अमृत के बिना वैसे ही तड़प कर मर जाऊंगी, जैसे मछली जल के बिना तड़प कर मर जाती है। मैं मन ही मन प्रभु को याद करके कहती थी कि प्रभु आप ही मेरी सहायता करो। आखिर एक दिन मैंने लौकिक पिता को कहा कि आपको बाबा ने याद किया है। यह बात सुनते ही हमारे पिता का मन मोम की तरह पिघल गया। वह कहने लगे, दादा इतने बड़े व्यक्ति हैं, यदि वह मुझे बुलाएं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं न जाऊं। मैं आज ही आपके साथ चलता हूं। मेरे पिताजी एक बहुत बड़े कुल के थे और मेरे ससुराल का भी हैदराबाद में अच्छा ही मान था, परंतु दादा की ओर से मिलने का संदेश सुनकर उन्हें सम्मान देते हुए मेरे लौकिक पिताजी मेरे साथ चले। मैंने बाबा को जाकर समाचार दिया कि लौकिक पिता आए हैं, साथ ही यह बताया कि वे कुछ दिन पहले मुझे पत्र देने से बिल्कुल इनकार करते थे। बाबा उनसे मिले। बाबा ने उनसे कहा, क्या आप जानते हैं कि आपकी यह पुत्री यहाँ क्यों आती है? आज इसके जीवन में जो शांति है वह इसे कैसे मिली? बाबा ने उन्हें थोड़ा ज्ञान दिया और फिर ओम राधे को कहा कि वह उन्हें और अधिक विस्तार से ज्ञान स्पष्ट करें। ओम राधे ने उन्हें समझाया था कि आप चेतन आत्मा हो, यह शरीर आपका एक मंदिर है। क्या मंदिर में कभी मांस का भोग लगाया जाता है? कभी मूर्तियों या जड़ चित्रों को शराब की भेंट करते हो? इस प्रकार ओम राधे जी ने उन्हें ऐसे प्रभावशाली तरीके से समझाया कि उनका जीवन ही पलट दिया। उन्हें अपनी अंतरात्मा में ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने मांस शराब आदि का सेवन करके तथा क्रोध और अशुद्ध व्यवहार आदि से बहुत पाप किए हैं। साथ साथ उन्हें इस बात का मनन करते हुए एक अनोखा आत्मिक नशा भी चढ़ा कि मैं शरीर रूपी मंदिर में रहने वाला अपने आदि स्वरूप में एक चेतन देवता हूं। मन में दोनों लहरें लेकर वे घर आए और उन्होंने शराब की बोतलें उठाकर बाहर सड़क पर फेंकना शुरू कर दी। वह विलायती शराब की बहुत कीमती बोतलें थी। उन्हें बोतलें फेंकता देखकर उनका लौकिक भाई बोला, दादा आप इन्हें सड़क पर क्यों फेंकते हो? हमको दे दो। मेरे पिताजी ने कहा, जो पाप का काम हमने छोड़ दिया वह आपसे भी नहीं कराना। उस दिन से लेकर पिताजी शाकाहारी बन गए और घर में अशुद्ध भोजन का निषेध हो गया। जब मैंने देखा कि हमारे लौकिक पिता के मन में अब ज्ञान का रंग लगा है, तो मैंने फिर वह पत्र लिख देने के लिए कहा। मेरी लौकिक बहन जी तथा माता जी भी चिट्ठी लेना चाहती थी। हमें आश्चर्य भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि पिताजी ने कहा कि मैं आपको भी अभी ज्ञान अमृत पीने पिलाने की छुट्टी देता हूँ और साथ में यह भी चिट्ठी में लिख देता हूँ कि मैं स्वयं भी ज्ञान अमृत पिया करूंगा। उन्होंने हमें सहर्ष व पत्र लिख दिया और बाद में हमारा सारा कुटुंब ही इस ईश्वरीय ज्ञान में तन मन धन सहित अर्पण हो गया। यह था बाबा द्वारा मिलने वाले इस ज्ञान का सच्चा चमत्कार अथवा जादू की शीघ्र ही संस्कार बदल जाते थे और विषय वासना की लत छूटकर आत्मा की प्रभु से सच्ची लगन लग जाती है तथा सहज ही सुख शांति की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार बहुत सी कन्याएं माताएं तथा भाई पत्र लिखवा लाए थे। स्वयं बाबा ने अपनी लौकिक पुत्री को, बहु राधिका को तथा अपनी धर्म पत्नी जसोदा को आदि को ऐसे पत्र लिख दिए थे। जो कुटुंब ओम मंडली में आते थे उनके बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की कि बच्चों और बच्चियों की शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या भी पढ़ाई जाए। स्वयं बाबा का तो
यह पहले से ही विचार रहता था कि यदि छोटे बच्चों को बचपन से ही ज्ञान लोरी दी जाए और उनके लिए सच्चे गुरुकुल की तरह वातावरण हो तो उनका बहुत ही कल्याण हो सकता है। अतः अब बाबा ने बालकों और बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की। प्रातः और सायं सत्संग तो होता ही था, परंतु बीच के समय में अर्थात 8 बजे से 12 बजे तक कन्याओं को शिक्षा मिलती थी। उन्हें लौकिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या तथा सिलाई सिखाई जाती थी। ओम मंडली में बच्चों की शिक्षा के बारे में यह गीत गाया जाता था, हे माता के हाथ बच्चे का खुश गवार बचपन, है माता के हाथ बच्चे का भविष्य का जीवन, होती है जिंदगी की पहली बहार बचपन, माँ बाप ज्ञान रस्ता बच्चे को घर सुनावे, बच्चे को धर्म विद्या शुरू से जो पढ़ावे, गीता का सार अमृत व ज्ञान जो दिलावे, आत्मा और देह का भेद बचपन से ही सुझावे, माता माता मदाल सार सम आध्यात्म हो सिखावे, बन जाए फिर तो बच्चे का विदेह मुक्त जीवन, है माता के हाथ बच्चे का आनंद रूपी जीवन, कु माता के हाथ बच्चे का है दुख रूप जीवन। बड़ों के अतिरिक्त छोटी आयु के बच्चे और बच्चियों को भी लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थीं। इस प्रकार छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विकता लाने का पुरुषार्थ हो रहा था। कुछ समय के बाद जब उनकी संख्या बढ़ गई तो उनके लिए एक बोर्डिंग खोल दिया। कन्याओं और बच्चों की शिक्षा की विषय में ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी जी जो कि लुधियाना में ईश्वरी विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी और उस समय बच्चों तथा बच्चियों को शिक्षा देने के कार्य के लिए अन्य शिक्षिकाओं के साथ निमित थी, उन्होंने लिखा है कि जब बच्चों की शिक्षा शुरू की गई तो थोड़े ही समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों बाबा की एक बिल्डिंग बन रही थी जो कि वास्तव में उनके लौकिक कुटुंब के लिए थी। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा व्यतीत की कि बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाया जाए जहां हमारे बच्चे राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़े। तब बाबा ने तुरंत यह आज्ञा दी कि उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए। उस इमारत को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। उन दिनों जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने आती थी उनके क्लास में बाबा ने पूछा कि छोटे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन तैयार है। तब ब्रह्मा कुमारी कुमारका जी, चंद्रमणि जी, शांतामणि जी, मैं ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी, ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी तथा 2-3 माताओं ने भी यह जिम्मेवारी लेने के लिए अपना हाथ उठाया। बोर्डिंग चालू हुआ। तुरंत ही सभी बच्चों की एक जैसी पोशाक माना यूनिफॉर्म, सभी के एक जैसे बिस्तरे आदि आदि बनाए गए। राजकुमारों की तरह उनका पालन होता था। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराया जाता था। रात्रि को भी वे हाथ पांव मुंह आदि धोकर सोते थे। उनके लिए एक छोटे औषधालय की भी व्यवस्था थी। उस बोर्डिंग में उनके सारे दिन की दिनचर्या और शिक्षा ज्ञान मुक्त रीति से चलती थी और बहुत ही आत्मिक प्रेम से राज ऋषि कुमारियों और राज ऋषि कुमारों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा तथा पालना मिलती थी। बोर्डिंग में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अलग अलग क्लास होता था और 11 से 14 वर्ष तक की कन्याओं की अलग कक्षा थी। बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार थी कि वे प्रातः 5 बजे उठकर सैर करने जाते थे। वहां उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे
और उन्हें शांति समाधि में भी बिठाया जाता था। वे 6:30 बजे वापस बोर्डिंग में लौट आते थे। उसके बाद नहा धोकर वे नाश्ता करते थे। 8 बजे उनकी नियमित पढ़ाई शुरू होती थी, जिसमें राजविद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा हैदराबाद माना सिंध में ओम निवास के बच्चों की शिक्षा को भी व्यवस्था की गई, ताकि उन्हें भी आत्मा का और आत्मा के स्वधर्म पवित्रता और शांति का परिचय दिया जाए। यह व्यवस्था यह क्लास के भीतर का एक चित्र दिखाया है। इन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। बच्चों के लिए ज्ञान युक्त वर्णमाला बनाई गई थी और उन्हें शिक्षा देने तथा उनके खान पान और रहन सहन का तरीका ऐसा था कि शुरू से ही उनके संस्कार दिव्य बन जाएं। तो उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता था, परंतु साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा का जो पाठ आत्मा से संबंधित था, उसमें इस प्रकार लिखा रहता था, यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा ही शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख द्वारा कहती है कि यह हाथ पांव मेरे है। जानते हो कि यह मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूं? मैं एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूं। मैं आत्मा सत चित हूं। मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पाठ बजाने आई हूं। मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूं, परंतु मैं इनसे अलग हूं। इस प्रकार के और भी पाठ बने होते थे। 10:30 बजे आधी छुट्टी होने पर उन्हें फल आदि दिया जाता था। फिर 11 बजे से 1 बजे तक क्लास होता था। इसके पश्चात वे भोजन करके कुछ देर विश्राम करते थे। 3 बजे से लेकर फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों पर सरल सरल संवाद, गीत आदि सिखाए जाते थे। फिर सायं 5 बजे वे दूध पीते थे और 6 बजे फिर घूमने जाते थे। 7:30 बजे रात्रि को वे वापस लौट आते थे और भोजन करते थे। रात्रि को 8:30 बजे उन्हें शिष्टाचार तथा अच्छे गुणों संबंधी कुछ शिक्षा दी जाती थी। उन्हें खान पान की शुद्धि, जीवन में सादगी तथा अन्याय उच्च धारणाओं के बारे में भी सरल एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षा दी जाती थी। प्रतिदिन अंतिम पीरियड में अर्थात लगभग 1 बजे बाद दोपहर सभी बच्चों को शांत समाधि में बिठाया जाता था। तब तक शिक्षिका ओम की धुनि भी करती थी। बच्चे भी उसके साथ ही धीमे स्वर में ओम की धुन गाते थे। उस समय बहुत से बच्चे ध्यान अवस्था में चले जाते थे और कई बच्चे दिव्य रास करने लग जाते थे। वह दृश्य देखने जैसा होता था। छोटे छोटे बच्चे दिव्य दृष्टि द्वारा वैकुंठ के अनेक ऐसे साक्षात्कार करते और वहां के राजकुमारों की वेशभूषा, उनके रहन सहन, राज दरबार आदि आदि का ऐसा वर्णन करते कि सुनने वाले आश्चर्यचकित रह जाते और उनके दिव्य साक्षात्कारों का अनुभव सुन स्वयं उन जैसा अनुभव पाने को लालायित होते। सभी बच्चे इकट्ठे ही पंक्त में बैठकर भोजन किया करते थे। जब तक सभी को भोजन न परस दिया जाए, तब तक कोई भी भोजन खाना प्रारंभ नहीं करता था। वे शांति पूर्वक भोजन करते थे। इस प्रकार बच्चों में अनुशासन, पारस्परिक प्रेम, शिष्टाचार तथा सफाई का गुण लाया जाता था। बच्चों के बिस्तर, उनके रहने का स्थान, स्नान गृह, उनके वस्त्र सभी इतने स्वच्छ रहते थे कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। बच्चों को आंख मिचौनी, रस्सा कशी, दौड़, कुर्सियों का खेल तथा अन्य खेल भी कराए जाते थे। फिर सायंकाल को सभी आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। इस प्रकार समय पर सब कार्यक्रम होता था।
अंत में रात्रि को सोने के समय एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था जिसका गीत इस प्रकार का था, सो जा राजकुमारी सो जा। यह गीत सुनते हुए सभी आत्मस्वरूप की याद में शरीर को ढीला छोड़कर सुखपूर्वक सतोगुणी नींद में सो जाते थे। फिर प्रातः 4:15 बजे जागो मोहन प्यारे जागो यह रिकॉर्ड बजता था और सब उठ जाते थे। अच्छा, ओम शांति।